हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में देखेंगे, वो है नेशनल लोक अदालत के बारे में। जी हाँ, नेशनल लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करके जो है केस को सॉर्ट आउट किया जाता है, उसका समाधान जल्दी से जल्दी उसी दिन सेम डे जो होता है ऑर्डर पास करके किया जाता है। कितना ही पुराना केसेस क्यों ना हो, वो नेशनल लोक अदालत में आप करा सकते हैं। तो देखिए, ये जो नेशनल लोक अदालत है, यह 11 दिसंबर को, जी हाँ 11 दिसंबर 2021 को शेड्यूल किया गया है, जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें ये सारे निम्नलिखित 11 जो टाइप के जो केसेस होते हैं इसका समाधान किया जाएगा। तो क्या है ये, हम इसको डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि जो भी लॉयर्स या फिर कह सकते हैं जो भी जितने भी पार्टीज़ हैं, अगर वो चाहते हैं नेशनल लोक अदालत में अपने केस का निपटारा करवाना, जिनका केसेस बहुत दिन से चल रहा है, वो चाहते हैं नेशनल लोक अदालत में आएँ और वो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे, जी हाँ ये जो केसेस जो होते हैं वो डिस्पोज्ड ऑफ किए जाते हैं। मतलब डिस्पोज्ड ऑफ करने का मतलब फाइनल जजमेंट ऑर्डर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है कि एक दूसरे से सामंजस्य रख करके कि हाँ हम चाहते हैं कि ये केस खत्म हो जाए, और सामने वाला भी पर्सन जो है वो भी यही चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज करके केस को जल्दी से जल्दी निपटारा कराया जा सके, जिससे कि न्याय जो होता है इससे तुरंत मिल जाता है, हालांकि ये कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे एडवोकेट्स या फिर ऐसे पार्टीज हम कह सकते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने केस को 11 दिसंबर के नेशनल लोक अदालत में सुनवाई करा सकें, तो देखिए उन लोगों को कहा गया है कि वो 1 दिसंबर, जी हाँ 1 दिसंबर को, यह जो आपके लर्नेड एडवोकेट्स होंगे वो उनको कहा गया है कि वो 1 दिसंबर तक जो है वो कोर्ट को मेंशन करा कर बता सकते हैं। जी हाँ, लिखा है ऑन और बिफोर, ठीक है 1 दिसंबर को या फिर 1 दिसंबर से पहले, जैसे कि नोटिस मिल रही है आप आज भी मेंशन करा सकते हैं, और ये जो है आप 30 को भी मेंशन करा सकते हैं और 1 दिसंबर को भी मेंशन करा सकते हैं, और मेंशन करा करके आप बता सकते हैं कि जी हाँ आप जो है केसेस को नेशनल लोक अदालत में सुनवाई कराना इसको चाहते हैं। तो नॉर्मल मेंशनिंग आप जैसे करते हैं मेल पे मेंशनिंग करना होगा, बस आपको वहाँ पे आपको लिखना होगा कि मेंशनिंग क्यों करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नेशनल लोक अदालत के बारे में ब्यौरा देना होगा। देखिए इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, तो देखिए लिखा है कि केसेस आइडेंटिफाइड बाई नालसा, यानी नेशनल लोक अदालत से जो केसेस ये आइडेंटिफाई किया गया है, वो पहला है क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस, कहने का मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस जिसमें अक्यूज्ड और जो भी पिटिशनर है, ठीक है पिटिशनर हो गया रेस्पोंडेंट हो गया, ये दोनों चाहते हैं कि किसी तरह से मामले को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके शॉर्ट आउट कर लें। जी हाँ, अगर दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो केस किया है जिस पर्सन पे और जो एक तो जो केस करता है वो, और दूसरा जिस पे अक्यूज्ड बनाया गया है वो, अगर वो ये दोनों चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके केस को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, तो वो ऐसे केसेस जो है नेशनल लोक अदालत में इसकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, दूसरा है NI एक्ट केसेस। NI एक्ट मतलब यहाँ होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब चेक बाउंसिंग के ज़्यादा केसेस इसमें आते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये, या फिर जो भी NPA वगैरह से रिलेटेड जो भी होता है, यहाँ पे NI एक्ट के ज़रिए जो होता है उसका शॉर्ट आउट किया जाता है NI एक्ट में। ठीक है, तो ऐसे केसेस का भी यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 138 में आता है NI एक्ट का केसेस, उसका यहाँ पे निपटारा किया जाएगा। थर्ड है मनी रिकवरी केसेस, पैसे का जो रिकवरी होता है, खास करके जो लोन वगैरह लेते हैं तो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सकता है, ऐसे केसेस का भी यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ जो है वो किया जाता है। ठीक है, और MACT केसेस कहने का मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो केसेस होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल केसेस, इसका फुल फॉर्म वही होता है। तो यहाँ पे मोटर एक्सीडेंट कहने मतलब कोई गाड़ी से व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें वो क्लेम किया है, कुछ रकम क्लेम किया है, ठीक है, या फिर सामने वाले को उसके केस के अंडर जो है अक्यूज्ड बनाया है, तो यहाँ पे नालसा के अंडर यहाँ पे इसको वेरिफिकेशन मिला हुआ, आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है कि वो नेशनल अदालत में इसकी सुनवाई करा सकते हैं, जिससे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ होने से क्या होता है, केसेस का जो है बर्डन जो होता है हाईकोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इस पर बर्डन कम हो जाते हैं। 5वां केसेस है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट केसेस। डिस्प्यूट केसेस कहने का मतलब लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस केसेस का भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ में शॉर्ट आउट कराया जा सकता है। इस टाइप के केसेस को भी मेंशन आप कर सकते हैं। 6ठा है इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स या फिर इस तरह से किसी भी तरह के बिल पेमेंट वाले जो केसेस है ना, ये जो होते हैं
आप इसका निपटारा करा सकते हो। और देखिए यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग नॉन कंपाउंडेबल, मतलब कहने का मतलब ऐसे भी केसेस जो नॉन कंपाउंडेबल है आप इसका भी यहाँ पे निपटान करा सकते हैं। केवल मात्र आपको शिकायत मात्र है तो वो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल से या अदर कोई भी बिल पेमेंट से रिलेटेड जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना, तो उससे भी रिलेटेड जो भी आपको शिकायत है, आप केस किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कंज्यूमर कहीं भी अगर आप केस किए हैं तो आप इसका निपटारा जो है नेशनल लोक अदालत में करवा सकते हैं। सातवां है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कहने का मतलब यहाँ पे विवाह विच्छेद से जो भी केसेस आते हैं, ठीक है, विवाह विच्छेद कहने का मतलब शादी या फिर जो भी शादी के बाद होने वाले केसेस होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है वो यहाँ पे समाधान कराया जाता है सिर्फ डाइवोर्स को छोड़कर। जी हाँ, डाइवोर्स एक दिन का तो फर्स्ट फैसला होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डाइवोर्स केसेस को छोड़ करके अदर जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं वो यहाँ पर इसका सुनवाई किया जा सकता है, ठीक है। सातवां अगर हम देखें, सॉरी आठवां अगर हम देखें तो लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण केसेस, यानी कि जमीन से रिलेटेड जो केसेस हैं, है ना, लैंड एक्विजिशन केसेस हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस जो है किसी ट्रिब्यूनल में या फिर किसी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है जमीन से रिलेटेड या जमीन का मुआवजा से रिलेटेड, किसी भी तरह का लैंड रिलेटेड अगर आप केस देखें जो पेंडिंग होगा पहले से सिविल कोर्ट में ट्रिब्यूनल केस में, आप उसको मेंशनिंग करा के नेशनल लोक अदालत के दिन सुनवाई करा सकते हैं। जी हाँ, नेशनल लोक अदालत जो है ये 11 दिसंबर को बैठने वाली है। अगला जो अगर हम देखें यहाँ पे लिखता है सर्विस मैटर रिलेटिंग टू पे एंड अलाउंस एंड रिटायरल बेनिफिट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पहले गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर वो है ना या फिर वो अभी भी हैं या कह सकते हैं रिटायर भी हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको अगर अलाउंस नहीं मिला है, किसी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं मिला है, तो इस तरह के केसेस आप देखते हैं कि बहुत लंबे लंबे दिनों तक चला जाता है, ठीक है, तो इसका भी निपटारा कराने के लिए जो है यहाँ पे नालसा अप्रूव करती है कि ये नेशनल लोक अदालत में जो है ये इसको आइडेंटिफिकेशन मिले और इसकी सुनवाई जो होती है कॉम्प्रोमाइज बेस पे हो सके, ठीक है। दसवां में है रेवेन्यू केसेस, रेवेन्यू केसेस मतलब ऐसे केसेस जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू कहने का मतलब किसी रेंट से रिलेटेड है, तो ये केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले से पेंडिंग होने चाहिए तभी इनका निपटारा यहाँ होगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो फ़ायदा ये है नेशनल लोक अदालत का कि इसमें अदर सिविल केसेस को भी सुना जाएगा, ठीक है, अदर सिविल केसेस जैसे कि रेंट से रिलेटेड, इजमेंट्री राइट्स, ये मकान मालिक और ज़मीन किराएदार, इससे रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं केसेस होते हैं इसका केसेस आप देख सकते हैं, या हाई कोर्ट किसी इंजंक्शन, हाई कोर्ट जो है कोई ऑर्डर पास करा है किसी चीज़ के लिए रोक लगा के रखा है, ठीक है, इंजंक्शन सूट फाइल है, तो ये इस टाइप के भी केसेस जो होते हैं आप नेशनल लोक अदालत में सुनवाई करा सकते हैं बशर्ते कॉम्प्रोमाइज्ड बेसिस पे इसकी सुनवाई होती है। मीन्स आपको तो जाना होगा और साथ साथ जो रेस्पोंडेंट एडवोकेट होंगे वो भी जाएंगे, मतलब एक्यूज्ड और जो रेस्पोंडेंट होगा वो दोनों को जा करके जो है वो नेशनल लोक अदालत में अपने केसेस की सुनवाई करा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 11 टाइप के जो केसेस था वो मैंने बता दिया, ये जो है आप अगर आप इसके अंडर में आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो है अपना केसेस को नेशनल लोक अदालत में ज़रूर रेफ़र करें, इससे सुनवाई में आपको देरी नहीं होगी और शीघ्र से शीघ्र जो है आपका केस जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है, बशर्ते ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पिटिशनर को भी जाना होगा और अपोजिट पार्टी, ये दोनों याद रखिएगा कि कंप्रोमाइज्ड बेसिस पे होता है, यानी कि कहने का मतलब आपको तो प्रेजेंट होना ही है और जिस पे आपने केस कराया है वो भी प्रेजेंट होंगे तभी उनका केस नेशनल लोक अदालत में सुनेंगे, नहीं तो क्या होगा वो वापस बेंच में चला जाएगा केसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।